भोला के ट्रेलर रिलीज के बाद मानो पूरा इंटरनेट ही हिल चुका है और जिधर भी देखो हर तरफ इंटरनेट पर भोला ही भोला छाया हुआ है और मानो बॉलीवुड में तो खुशी की लहरें ही दौड़ गई हो, क्योंकि पठान के बाद जैसे ही कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी फ्लॉप हुई और उसके बाद सेल्फी पिट गई तो बॉलीवुड फिर से थोड़ा सा सदमे में चला गया था, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में साउथ की फिल्मों की रीमेक थी। मतलब कि एक बार फिर बॉलीवुड के एक्टर्स को डर लग गया था कि साउथ की फिल्मों का रीमेक अब बॉलीवुड में नहीं चलेगा। लेकिन भैया अजय देवगन को ऐसे ही बॉलीवुड का मास्टरमाइंड नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने दृश्यम 2 के टाइम पे भी ये प्रूव कर दिया था कि बॉलीवुड में भी साउथ की फिल्मों का रीमेक चल सकता है और दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी कमाई की थी, जिसे देखकर बॉलीवुड के एक्टर्स को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन जैसे ही कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा और अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी रिलीज हुई और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई, तो इससे एक बार फिर बॉलीवुड के एक्टर्स के मन में रीमेक का डर घुस गया था। लेकिन भैया भोला के ट्रेलर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में साउथ की रीमेक चल जाएंगी, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि साउथ के एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है भोला के ट्रेलर को देखकर, और साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने अजय देवगन और उनकी फिल्म भोला को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। जहां एक तरफ रामचरण ने ट्वीट में लिखा है कि अजय सर यू लुक फैब इन एंड माई ऑल द बेस्ट विशेज आर विद यू, तो वहीं दूसरी तरफ SS राजामौली ने भी अजय देवगन की तरफ अपना प्यार दिखाया है और उन्हें उनकी मूवी भोला के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। मतलब इसे साफ पता चलता है कि साउथ वालों को भी भोला का ट्रेलर काफी पसंद आया है, चाहे फिर वो उन्हीं की फिल्म का रीमेक क्यों ना हो। तो भैया इससे साफ पता चलता है कि भोला बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है और एक बार फिर से अजय देवगन दृश्यम 2 की तरह ही भोला की सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। बाकी भोला के ट्रेलर देखकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को थिएटर्स में देखने के लिए। लेकिन क्या आपने अभी तक भोला का ट्रेलर देखा है, और अगर देख लिया है तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।